यवतमाल जिले में रविवार की देर रात दिग्रस दारवा रोड पर चलते हुए एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में तकनीकी बिगाड़ के चलते आग लगने की प्राथमिक जानकारी मिली है। इस घटना में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। दिग्रस दारवा रोड पर रविवार देर रात एक चलते हुए ट्रक में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि जिस वक्त यह घटना घटित हुई, उस वक्त ट्रक चालक पुसद निवासी सैयद इरफान ट्रक चला रहा था। पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिक जानकारी के अनुसार ट्रक चालक MHBE6413 क्रमांक वाले ट्रक का सामने का कांच खराब होने से वह ट्रक की मरम्मत के लिए उसे पुसद से नागपुर ले जा रहा था। वह पुसद से रात 9:30 बजे निकला था। इस दौरान वो जब दिग्रस दारवा रोड पर स्थित साखरा गांव के करीब पहुंचा, तब अचानक ट्रक में आग लगने का अंदेशा हुआ। ट्रक चालक ने तत्काल ट्रक रोककर लोगों के मदद की गुहार लगाई। ऐसे में दिग्रस नगर पालिका के अग्निशमन दल और दिग्रस पुलिस को फोन पर इस घटना की जानकारी दी गई। देर रात अचानक मिली सूचना के बाद अग्निशमन दल का दस्ता जैसे तैसे वहां पहुंचा, जबकि दिग्रस पुलिस ने जानकारी मिलते ही घटनास्थल का रुख किया। दिग्रस पुलिस थाने के API भार साखले और जमादार शब्बीर पप्पू वाले ने साखरा गांव से दारवा जाने वाले रोड पर जलते ट्रक के पास से जोखिम लेकर गुजर रहे वाहनों को रोककर वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा निश्चित की। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ट्रक में अचानक बिगाड़ उत्पन्न होने से अथवा शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की जानकारी मिली है। इस आग में ट्रक की कैबिन, इंजन, टायर, गेयरबॉक्स आदि का लगभग 75,000 रुपये का नुकसान हुआ है। बहरहाल दिग्रस नगर पालिका के अग्निशमन दल के कर्मचारी अश्विन इंगले, सागर शेल के अब्दुल नासिर और सहदेव उगड़े आदि ने कड़ी मशक्कत से जलते हुए ट्रक की आग की भीषण लपटों को बुझाया। खबर लिखे जाने तक इस घटना के बाबत दिग्रस पुलिस में मामला दर्ज किए जाने की प्रक्रिया जारी थी। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।